बीच में क्या ऐसा रीजन था कि रश्मि के दिल में इतनी नफरत थी सिद्धार्थ? नहीं वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं भी जॉब करती थी उस टाइम पे। मेरी इतनी लंबी दाहनों में ट्रांसफ़र हो गई थी कि मैं और रश्मि मिल ही नहीं पाते थे, बहुत कम 15-10 मिनट के लिए। तो तभी कुछ बातें बता दी, लेकिन सारी बातें तो नहीं बता पाते थे, तो नहीं इतना पता मुझे, झूठ क्यों बोलूँगी। ओके एंड फाइनली कि वेल अभी तो रश्मि सिंगल है, हर कोई उन्हें पसंद कर रहा है और हर किसी को ये चाहिए था। हमने गौरव को भी देखा था जब वो घर में गए थे, उन्होंने भी यही चीज़ कही थी कि नेशनल टेलीविजन पे कोई डिसीजन मत लेना। तो वेल इसके बारे में अब आप रश्मि ऑब्वियसली टॉप थ्री में हम उन्हें शामिल कर रहे हैं, गिन रहे हैं, बिकॉज टॉप थ्री में वो आ रही है। अभी लाइट क्लब है, आप कितने एक्साइटेड हैं? कल मॉल टास्क होने वाला है और आपके नज़दीकी है, तो क्या आप वहाँ जाने वाले? नहीं मैं नहीं जा पा पाऊँगी, क्योंकि मुझे 2-3 दिन से बहुत बुखार और ब्लड प्रेशर बहुत रहता है। वहाँ भीड़ रहेगी तो अपने आप प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो शायद मैं डॉक्टर को पूछूंगी मैं जा सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे जाना है फिनाले में, वो मेरा मेन मकसद है। और डॉक्टर बोलेगी कि नहीं आपको फिनाले में जाना है, इसमें नहीं जा सकती, तो ये मैं ड्रॉप कर दूँगी।